इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पीडीएफ फाइल के साइज को रिड्यूस कर सकते हो, मतलब आप अपने पीडीएफ फाइल के साइज को कैसे कम कर सकते हो या फिर आप कह लो कंप्रेस कर सकते हो कैसे आप अपने पीडीएफ फाइल को। जैसे कि आपका जो पीडीएफ फाइल है वो 10 MB या फिर 15 या 20 MB या फिर लार्ज साइज में आपका पीडीएफ फाइल बना हुआ है और इस फाइल को आपको किसी को भेजना है या फिर किसी वेबसाइट पर आपको अपलोड करना है और उस वेबसाइट पे एक रिक्वायर्ड साइज होता है जो कि आपको उसी साइज में अपलोड करना होता है अपने पीडीएफ फाइल को, तो कैसे आप अपने पीडीएफ फाइल के साइज को कंप्रेस कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो में जो भी मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं वो आपको अच्छे से फॉलो करना है, बिना किसी स्टेप को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पे मेरे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और इस पीडीएफ का जो साइज है लगभग वो 12 MB का है और मुझे इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट के साइज को रिड्यूस करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। वेब ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सर्च में पीडीएफ टू गो लिखकर सर्च करना है। एग्जैक्टली आपको सर्च में यही लिखकर सर्च करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला वेबसाइट है www.pdftogo.com, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वेबसाइट ओपन होने के बाद वेबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ के रिलेटेड आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप अपने पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो दो पीडीएफ फाइल को। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वीडियो में, पीडीएफ फाइल के साइज को कैसे कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कंप्रेस कैसे करते हैं, तो इस वेबसाइट में आपको कॉम्प्रेस पीडीएफ का एक ऑप्शन दिख जाएगा, फीचर दिख जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जहाँ भी वो पीडीएफ फाइल है आपको वहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो पीडीएफ फाइल होगा वो अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करने का यहाँ पे तीन ऑप्शन रहते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिक कंप्रेशन में जो फाइल का साइज होगा वो मीडियम होगा और जो क्वालिटी होगा इमेज का वो हाई रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन रहता है, यहाँ पे आपका जो फाइल का साइज होगा वो कम हो जाएगा और क्वालिटी जो होगा वो मीडियम रहेगा एज कम्पेयर टू बेसिक कंप्रेशन से। और उसके बाद यहाँ पे आपको चूज फ्रॉम एक प्रीसेट का ऑप्शन भी रहता है, अगर आप इस पर सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आप अपने पीडीएफ फाइल का जो होगा इंसेंट क्वालिटी, मिनिमम क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी में भी आप कर सकते हो। 300 DPI इमेज के साथ अलग अलग DPI इमेज में होगा आपका। तो यहाँ पे मैं बेसिक कंप्रेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तब आपका जो पीडीएफ फाइल होगा वो कंप्रेस होकर के डाउनलोड होने लगेगा। और अगर आपको इससे भी कम साइज में करना है तो यहाँ पे आप दूसरे वाले भी ऑप्शन में जा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने पीडीएफ फाइल के साइज को रिड्यूस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो में जो भी मैंने स्टेप्स बताया पीडीएफ फाइल के साइज को रिड्यूस करने का, वो सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल के साइज को रिड्यूस करने में कोई दिक्कतें आ रही है, फिर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।